हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर 2019। 6 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा तथा वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा तथा क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली व्हेन सेलिब्रेटेड नेशनल टीचर्स डे, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुई थी। शिक्षक दिवस को सर्वप्रथम 1962 में मनाया गया था। चलिए आपको दिखाते हैं इमेज में। ये देखिए, इमेज में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 तथा इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच और चयनकर्ता कौन बने हैं? हु इज़ द न्यू मेन कोच एंड सेलेक्टर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? इसका सही आंसर है मिसबाउल हक। जी हाँ, मिसबाउल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच और चयनकर्ता बने हैं। आइए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये देखिए, मिसबाउल हक, ये हैं पाकिस्तान के नए मुख्य कोच। अब आपको पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। पाकिस्तान की बिगेस्ट लेक मंचार है। पाकिस्तान के नेशनल सिंबल की बात करें, नेशनल गेम हॉकी, नेशनल एनिमल मार्कचोर, नेशनल बर्ड चुकार, नेशनल फ्लावर जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम की बात करें, नेशनल असेंबली। आइए आपको मैप में दिखाते हैं पाकिस्तान। ये देखिए मैप में पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच सिटी टॉप इन EIU's ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019? EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है वियना। जी हाँ, वियना EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर रहा है। अब आपको ऑप्शन में दिल्ली और मुंबई दिख रहे होंगे। जी हाँ, दिल्ली इंडिया का 118वें नंबर पर तथा मुंबई 119वें नंबर पर रहा है। मेलबर्न सेकंड नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 सितंबर। जी हाँ, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल चैरिटी ऑफ डे मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के दान के महत्व को समझाना है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था तथा इनका निधन 5 सितंबर 1997 में हुआ। चलते हैं, आपको इम्पोर्टेंट डे इन सितंबर के बारे में बताते हैं। 1 से 7 सितंबर 2019 नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे। और 5 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस कंपनी ने घोषणा की है कि उसके 16.2 टन के भारी वाहन का वजन उन ट्रकों से बदल दिया जाएगा जो BS6 उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हैं? इसका सही आंसर है अशोक लेलैंड। जी हाँ, अशोक लेलैंड उन ट्रकों को घोषणा की है कि उसके 16.2 टन के भारी वाहन का वजन उन ट्रकों से बदल दिया जाएगा जो कि
BS6 उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हैं। अब आपको अशोक लेलैंड हिंदुजा समूह का एक प्रमुख संगठन है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किन देशों ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन तक विस्तारित करने के उद्देश्य से औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और नई तकनीक बनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है इंडिया और रसिया। जी हाँ, इंडिया और रसिया ने मिलकर 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन तक विस्तारित करने के उद्देश्य से औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और नई तकनीक बनाने का निर्णय लिया है। चलिए आपको रसिया के बारे में बताते हैं। रसिया के बारे में ऐसे दो दिन से आपको बता रहे हैं, फिर भी आप रिवीजन कीजिए मेरे साथ। रसिया, रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। रशियन नेशनल डे 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। रसिया का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस। रसिया की लार्जेस्ट लेक बैकाल है। रसिया के नेशनल गेम की बात करें तो बैंडी, नेशनल बर्ड ईगल, नेशनल फ्लावर कैमोमाइल, नेशनल एनिमल रशियन ब्राउन बियर। रसिया के संसद का नाम ड्यूमा है। और बताएं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया है, तथा रसिया के पास 8400 नाभिकीय हथियार हैं। आपको मैप में दिखाते हैं, ये देखिए मैप में रशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। UEFA राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है एरिक कैंटोना। जी हाँ, एरिक कैंटोना को UEFA राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंच फुटबॉलर एरिक कैंटोना को UEFA प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको इमेज में दिखाते हैं, ये देखिए रेड कलर का शर्ट पहने हुए, यही है एरिक कैंटोना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा बैंक बीमा संयुक्त उद्यम से हिस्सेदारी को विभाजित करता है? इसका सही आंसर है IDBI। IDBI बैंक संयुक्त बीमा उद्यम में हिस्सेदारी को विभाजित करता है। चलिए आपको बताते हैं IDBI के बारे में। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। IDBI के CEO हैं राकेश शर्मा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। PK स्मार्ट स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9। लेसोथो साम्राज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है जयदीप सरकार। जी हाँ, जयदीप सरकार को लेसोथो साम्राज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। आइए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये है जयदीप सरकार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किसने किया? हु टू इनॉग्रेट गरवी गुजरात भवन? इसका सही आंसर है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय राजधानी में गुजरात सरकार का दूसरा राजभवन है। ये देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करते हुए गरवी भवन का। चलिए आपको गुजरात के बारे में बताते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी हैं। गुजरात के वर्तमान गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात का फर्स्ट CM जीवराज नारायण मेहता जी थे। गुजरात के प्रथम गवर्नर मेहंदी नवाज जंग जी थे। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा सीट 11 तथा टोटल ज़िले यहाँ पे 33 हैं। स्टेट सिंबल की बात करें, स्टेट ट्री है बनायन, स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड, स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लैमिंगो, स्टेट डांस गरबा एंड डांडिया, जो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट में है। गुजरात में मैप में बात करें गुजरात की, तो गुजरात देखिए यहाँ पे है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकनिक प्लेस 2019 के रूप में किस स्थान को चुना गया है? इसका सही आंसर है वैष्णो देवी श्रीन को
भारत में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकनिक प्लेस के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हु बिकेम द यंगर कैप्टन इन द टेस्ट मैच हिस्ट्री। टेस्ट मैच के इतिहास में सबसे युवा कप्तान कौन बना है? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान। जी हाँ, राशिद खान टेस्ट मैच के इतिहास में सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। ये देखिए, आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे राशिद खान। इन्होंने ये मुकाम मात्र 20 साल 354 दिन की उम्र में ही हासिल किया। इन्होंने जिम्बाब्वे के तंदेदा ताइबू का रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए अब बताते हैं आपको अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट अशरफ गानी जी हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान का नेशनल डे 19 अगस्त को है। अफगानिस्तान का बिगेस्ट लेक कजाकी डैम है। हाईएस्ट माउंटेन नोशाक है। अफगानिस्तान के नेशनल सिंबल की बात करें, नेशनल गेम बुजाक्सी, नेशनल एनिमल स्नो लियोपार्ड, नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल, नेशनल फ्लावर टुलिप्स तथा संसद का नाम यहाँ का हूरा है। आपको मैप में दिखाते हैं अफगानिस्तान। ये देखिए, आपको मैप में अफगानिस्तान दिख रहा होगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बताते हैं। योग दिवस 2018 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2018? इसका सही आंसर है योगा फॉर पीस। जी हाँ, योगा फॉर पीस 2018 का थीम था। चलिए आपको आंसर ऑफ द एस्टरडे क्वेश्चन बताते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए थे? इसका सही आंसर है यूएसए। यूएसए ने भारतीय सेना ने 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए थे। इसका कमेंट में आप लोगों ने आंसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। चलिए आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। एड्स, क्षय रोग और मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड का सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट स्टडी को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।